हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले 9th क्लास का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में भी हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएँ और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हम लोग अच्छे कर पाएँ, इस बुनियाद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं। NCERT का टोटल क्वेश्चन करवाया जाएगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा जो कि कॉम्पिटिशन लेवल का होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, 9th क्लास का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहले आता है क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, इनफिनाइट तक जाता है, ये क्या मेरा हो जाता है, होल नंबर, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये है नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं, n से। नेचुरल नंबर कहाँ जाता है, 1, 2, 3, 4 ये जाके जाता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तीसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट, इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर का एक लाइन है जो कि 0, 1, 2, 3 .. इन्फिनाइट तक जाता है, -1, -2, -3, ये टोटल क्या है, इंटीजर। ये है नेगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, और प्लस इंटीजर ये है 1, 2, 3। और 0 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, लेकिन ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अपर नाम लोग क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर क्या है हम लोग पढ़ते हैं। रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर का जो में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब रेशनल क्या है, उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। रेशनल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको एक लाइन में पढ़ते हैं, कोई भी नंबर, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज कल नॉट टू जीरो। इसको एक लाइन में हम लोग लिखते हैं, क्या बोलेंगे, कोई भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में हो और वेयर जो कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। अभी हम लोग इंटीजर पढ़े ना कि -1, -2, -3 फिर 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज कॉल नॉट टू जीरो, और क्या है, क्यू ये नीचे वाला क्यू वो 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया मेरा रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते क्या, ये रेशनल हो और इरेशनल में सीधा बात है कि इरेशनल का क्या, इसका एक एग्जांपल देख लेते, 2/4, 8/2 ये सब क्या रेशनल नंबर। और एक जवाब जान लें, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर क्या है कि जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं हो और जहां पर पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू इसको नॉट टू जीरो, यानी कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर से √2, √3, ठीक है। और इरेशनल नंबर का वो कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, क्या है कि ITH नाइदर रिपीटिंग। इरेशनल नंबर ये हम लोग जान लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में जानते हैं, ठीक है, कुछ गुण जान लेते हैं उसके बारे में।
तो रेशनल में क्या होता है कि आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब आइदर टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी तो पूरा पूरी कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी नहीं खत्म होगा, नहीं टर्मिनेटिंग होगा, इसका मतलब क्या रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग होगा। तो इसको देखते हैं 8/20 है, ठीक है, देखते हैं 8/20 को अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना में आएगा, 8 × 2 = 16 बचेगा 4, 8×5 = 8 × 2 = 16 2.5 आएगा। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये खत्म हो गया है, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब ये रेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं 1/3 को अगर हम लोग भाग देंगे, 3 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे इसके बाद यहाँ 0 देंगे, 3 × 3 = 9 बचेगी कितना 1, फिर अगर हम 0 देंगे तो 3 × 3 = 9 बचेगी क्या 1, फिर अगर हम 3 देंगे, फिर अगर हम लोग 0 देंगे 3 × 3 = 9 बचेगा। अब देखना यह है कि इसमें देखते हैं 3/1 को अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बार बार 3 3 3 रिपीट हो रहा, यानी कि यह तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीटिंग है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं खत्म हो रहा है लेकिन क्या है रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा डेसिमल में। तो देखिए ये वाला एक एग्जांपल है कि 0.01001 यहाँ पर 3 × 0 फिर 1 है, यहाँ पर 4 × 0 उसके बाद क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है ये तो रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो वही इरेशनल नंबर में हम लोग को देखना है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये देखिए इरेशनल नंबर का पहचान है कि ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा मतलब खत्म नहीं रहा और बढ़ते जा रहा और ये रिपीट भी नहीं कर रहा, 01001 000001 401 मतलब क्या है ये बढ़ते जा रहा, नहीं रिपीट कर रहा और ना ही टर्मिनेट कर रहा। और हम लोग रेशनल नंबर में देखे थे कि टर्मिनेट कर रहा है, ये डिसिमल वाला जो नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा, और ये वाला देखे थे एक एग्जांपल और लिए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा रिपीट हो रहा, ठीक है। तो हम लोग जान लिए रेशनल और इरेशनल, अब इसका कुछ हम लोग गुण देखते हैं, ठीक है, तब तक उतार लो। तो अब हम बात करते हैं कुछ रूल को जो रेशनल इरेशनल में क्या होता है। तो पहले बात करते हैं कि रेशनल 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 और रेशनल को ऐड करने पर हमेशा रेशनल रहता है, रेशनल रेशनल को डिवाइड करेंगे मल्टीपल करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रेशनल रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इरेशनल, अगर इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीपल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट में रेशनल नंबर ही आएगा। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल, एक नंबर रेशनल रहना चाहिए और दूसरा इरेशनल नंबर, और जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भागा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा इरेशनल ही आएगा। तो कुछ लिख लो, ठीक है, ये देखिए। और एक बात याद रखिए कि इरेशनल नंबर फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ को फॉलो करता है। एक हम लोग और रह गया था बात किया है कि इरेशनल नंबर का बात है कि पाई जो है ना पाई वो मेरा एक इरेशनल नंबर है, पाई जो मेरा है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई का वैल्यू है 22/7 एक्चुअल वैल्यू नहीं लेकिन इसको मान के चलते 22/7 जो वैल्यू हो वो मेरा क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। तो ठीक है, वीडियो को हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, अगला जो वीडियो है सेकेंड वीडियो बनाएंगे उसमें टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगला वीडियो में मिलते हैं, तब से अपना ख्याल रखें।